लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बॉलीवुड की फिल्मों की बात की जाए तो आप यह बात बखूबी जानते होंगे कि बॉलीवुड की फिल्म बिना खलनायक के अधूरी है। आज भले ही बॉलीवुड फिल्मों से एक विलन की भूमिका गायब होते हुए नजर आ रही है, पर एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड फिल्मों की कहानी की सफलता में जितना बड़ा हाथ नायक का होता है, उतना ही एक खुखार विलन का भी। बॉलीवुड की फिल्मों में खलनायकों के बिना फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बॉलीवुड में एक से एक खतरनाक और खुखार विलन हुए हैं जिनकी जबरदस्त भूमिका से लोग सच में काफी डरा करते थे। अगर इन खुखार विलन की बीवियों की बात की जाए तो जितनी खतरनाक यह विलन हुआ करते थे, उतनी ही इन विलन की बीवियां बेहद खूबसूरत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खुखार विलन की खूबसूरत वाइफ के बारे में जो इस उम्र में भी बेहद खूबसूरत है। साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म घातक का निर्देशक था राजकुमार संतोषी, जिसमें हीरो के किरदार में थे सनी देओल और फिल्म के खतरनाक विलन किरदार कातिया को रोल कर रहे थे बॉलीवुड एक्टर डैनी डेंजोंगपा। डैनी डेंजोंगपा इस फिल्म के बाद इतना फेमस हो हुए कि लोग उनके असली नाम नहीं बल्कि कातिया कह के बुलाने लगे थे। इतना ही नहीं, डैनी ने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में विलन की भूमिका निभा चुके हैं, जिसके लिए उन्हें भारत के चौथे सबसे सिविलियन अवार्ड पद्मश्री और फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं डैनी की वाइफ के बारे में बात की जाए तो उन्होंने साल 1990 में सिक्किम की राजकुमारी गावा से शादी की थी। डैनी की पत्नी गावा बेहद खूबसूरत है। गावा इस उम्र में भी खूबसूरती ने बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती है। गावा मीडिया और लाइमलाइट से काफी दूर रहती है, लेकिन अपनी खूबसूरती के चलते गावा इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी छाई हुई है। डैनी और गावा के दो बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटी और एक बेटा है। डैनी के बेटे का नाम ऑरेंजिंग डेंजोंगपा और बेटी का नाम है पेमा डेंजोंगपा। डैनी को बेटी की बात की जाए तो वह भी अपनी माँ की तरह बेहद खूबसूरत है।